Now we start experiment number 10 and 11. This is experiment number 10 और 11 अपना. जैसे हमने only अभी इससे इसके लिए connections जो experiment number previously experiment था 9, उसमें जो connection थे वो same ही रहेंगे. Each and every thing is same. सिर्फ हमने उस 8 और 9 में जो हमने ये पढ़ा only पी कंट्रोल पढ़ा. अभी हमने को पी आई कंट्रोल पढ़ना है. तो जैसे उसमें सिर्फ खाली मैंने पी का वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करके इसका ऑफसेट कम ज़्यादा हो रहा था प्लस सेट पॉइंट वर्सेस प्रोसेस वेरिएबल, वैसे ही इसका अभी आई इम्प्लीमेंट करके इसका ऑफसेट कम होता है या नहीं होता है वो हम ऑब्जर्व करने वाले. तो इसके लिए और कनेक्शन जो एक्सपेरिमेंट नंबर 8 और 9 में था उसके जैसा ही सिमिलर कनेक्शन होगा. ओके तो अभी जस्ट मेरा सेट पॉइंट मैंने दिया है 30 दिया हुआ है. मेरा अराउंड प्रोसेस वेरिएबल अभी 36 है और 30 मेरा सेट पॉइंट है. तो अभी मैं इसमें मेरा पी को मैं 50 सेट करूँगा. PB is 60. ओके और मैं I को 5 सेट करूंगा 5 सेकेंड. ओके मैं इसको डिस्टर्ब करूँगा सेट पॉइंट को, सॉरी सेट पॉइंट को डिस्टर्ब करूँगा. 25 कर दिया मैं, 20 कर दिया, 10% का डिस्टर्बेंस दिया. अभी वो कितने जल्दी अचीव होता है सेट पॉइंट वर्सेस मेजर वेरिएबल वो मैं नोट करूँगा. Now, in PI mode, my controller is work successfully. Now, I have to change my set point. अभी मैं set point is 20 है, मैं उसको 30 करूँगा. ये देखो जैसे ही मेरा set point बढ़ा मेरा target को achieve करने के लिए मेरा ये बढ़ गया. थर्टी वन मेरा सेट पॉइंट था, 30 मेरा एच इस पी आई कंट्रोल मोड में जब मैंने इसका पी 50 रखा है और आई 5 रखा हुआ है उसी में ये इसको कंट्रोलिंग कर रहा है. ठीक है दैट 30 मतलब यहाँ पे 3 बार मैंने इस वेसल में मेरे को प्रेशर चाहिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है. ये कितने जल्दी अचीव करता है ये हम ये ऑब्जर्व करेंगे. इसके लिए फिर से मैं आई को इम्प्लीमेंट करता हूँ. दिस इज माई आई, इसको मैं 15 करता हूँ. अभी 15 करके मैंने सेट कर दिया. अगेन मैं मेरे को अभी इस वेसल में मेरे को 2 बार प्रेशर चाहिए तो मैं अगेन मेरा टारगेट चेंज करता हूँ. मैं इसको 2 बार कर दिया. देखो
अगर मैं टारगेट चेंज करता हूँ, 30 का 32 कर दिया, इट्स रीच टू अगेन 30 इमीडिएट। That is my experiment number 10 and 9. You have to increase your integral time and just observe that how much time you have to achieve your set point.